What's up people? कैसे हैं आप लोग? I'm sure बहुत अच्छे होंगे. So welcome back to my channel. मैं हूं आपकी प्यारी होस्ट और दोस्त प्रियंका. और ये देखिए, ये छोटू सा चमगादड़ का बच्चा. पता नहीं कहां से ये आ गया था और ऐसे ही बैठा हुआ था, तो हमने इसे थोड़ा बहुत खाने के लिए दिया, बाद में ये अपने आप उड़ गया. मेरी मॉम डैड को ना गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो उन्होंने छत पे ऐसे ही गमले रख करके छोटा सा गार्डन बना रखा है. और इनसे मिलिए, ये भी हमारी फैमिली की मेंबर है और इसका नाम है चीकू. जब हम लोग मॉर्निंग में छत पे ऐसे ही ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं ना, तो चीकू भी हमारे साथ में ही बैठ करके ब्रेकफास्ट करती है. अभी वो पानी पी रही है, उसे अपने इस छोटे से घड़े से पानी पीने में बड़ा अच्छा लगता है. हालांकि ये घड़ा चिड़ियों के लिए रखा हुआ है, बट चीकू इससे ज़रूर पानी पीती है. आज है चीकू का बाथिंग डे. तो मेरे डैडी अभी चीकू को नहला रहे हैं. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे डैडी ने चीकू के कान ऐसे क्यों पकड़े हुए हैं. एक्चुअली क्या होता है कि जब रैबिट्स को नहलाया जाता है ना, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि उनके कानों में ना ये पानी नहीं जाए, नहीं तो उससे ना रैबिट्स को प्रॉब्लम हो सकती है. छोटा सा बच्चा नहीं होता है, चीकू वैसे बैठी हुई है डैडी की गोद में और डैडी उसे अच्छे से पोंछ रहे हैं ताकि उसे ठंड ना लग जाए. तो फाइनली चीकू नहा चुकी है और उसे अच्छे से ड्राई भी किया जा चुका है, मगर जब तक ये अपने आप को एकदम पूरा ड्राई नहीं कर देती ना, तब तक ये ऐसे ही अपने आप को चाटती रहेगी. ये देखिए, हमारी हीरोइन पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है और आराम से लेट करके सन बाथ ले रही है. तो सारे काम करने के बाद में, ब्रेकफास्ट करने के बाद और चीकू को नहलाने के बाद में, अब हम लोग जा रहे हैं लखनऊ. एक्चुअली मेरे डैडी का ना लखनऊ में कमांड हॉस्पिटल है, वहाँ पे मंथली चेकअप होता है, तो हमें वहाँ पे जाना होता है, तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं. ये है गंगा नदी जो कि कानपुर से होकर के बहती है, और आप जब कानपुर क्रॉस करके उन्नाव की तरफ बढ़ते हैं ना, तो ये रास्ते में ही पड़ती है. मुझे समझ नहीं आता कि कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है. आप देख रहे हैं इन जानवरों को कितनी बुरी तरह से इस टेम्पो में ठूसा हुआ है, मतलब उनके आई थिंक खड़े होने तक की भी जगह नहीं होगी और वो लोग आगे आराम से बैठे हुए हैं. आपका इस बारे में क्या कहना है, आप प्लीज़ मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. तो
फाइनली हम लोग लखनऊ आ चुके हैं और हम लोग जल्दी से डॉक्टर के पास में जाने वाले हैं डैडी का चेकअप करवाने के लिए। और रास्ते में ना बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ेंगी, मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाते हुए चलूँगी। ये जो आप पार्क देख रहे हैं ना, इस पार्क का नाम है बौद्ध विहार शांति उपवन। ये सच में बहुत बड़ा पार्क है। वैसे हम लोगों ने प्लान तो किया है कि डैडी का चेकअप होने के बाद में हम लोग यहाँ पे घूमने आएंगे, बट अगर सब चीज़ें टाइमली हो गई तभी आ पाएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम। वैसे यहाँ लखनऊ में ना काफ़ी बड़े बड़े पार्क हैं और बहुत सुंदर हैं। कभी अगर मैं यहाँ पे दोबारा आई ना, आपको ये सारे पार्क ज़रूर दिखाऊंगी। इस गार्डन का नाम है ग्रीन इको गार्डन। वैसे इसका नाम तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, मान्यवर कांशी राम जी ग्रीन इको गार्डन, बट मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में कहती हूँ, सभी लोग बोलते हैं ग्रीन इको गार्डन। अब हम लोग एंटर कर चुके हैं लखनऊ के कैंट एरिया में। ये है लखनऊ का कमांड हॉस्पिटल। वैसे यहाँ पर कमांड हॉस्पिटल में काफ़ी सारे गेट्स हैं, तो हम लोग स्टार्टिंग में तो बहुत कंफ्यूज हो गए कि कहाँ से एंटर करें, तो काफ़ी टाइम लग गया हमें गेट सर्च करते करते। और फाइनली जिस गेट से हम लोगों ने एंटर किया, मैं आपको वो गेट दिखाती हूँ। ये है वो गेट जहाँ से हमें एंटर करने को मिला। हम लोग थक गए थे ढूंढ ढूंढ करके कि आखिर इसका मेन एंट्रेंस है कहाँ से, क्योंकि कमांड हॉस्पिटल ना लखनऊ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो डैडी का चेकअप तो अच्छे से हो गया, मगर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हॉस्पिटल में। और मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको लौटते टाइम पे वो पार्क दिखाऊंगी, बट अभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम लोग पार्क देखने के लिए रुके तो काफ़ी रात हो जाएगी घर पहुँचते पहुँचते। तो जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब मैं आपको पक्का पार्क दिखाऊँगी। घर जाते वक्त ना हमें ये कुछ टेडी बेयर्स दिखे और मैं इनको देख करके इतना खुश हो गई, पीछे और भी टेडी बेयर्स निकल गए। आप जब लखनऊ टू कानपुर जाएंगे या कानपुर टू लखनऊ आएंगे ना, तो आपको रास्ते में ना ऐसे ये टेडी बेयर्स बेचते हो ना काफ़ी लोग दिखाई देंगे। तो मेरे को तो एक टेडी बेयर बहुत ज़्यादा पसंद आया, और वो कौन सा टेडी बेयर था आप लोग गेस करिएगा। मैं देखती हूँ आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मुझे अच्छे से जान पाए हैं। वेल, इस टेडी बेयर पे मत जाइएगा, ये टेडी बेयर तो मेरी मम्मा ने पसंद किया है। मैंने कौन सा पसंद किया है ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड आई एम सो सॉरी गाइस कि मैं कल परसों कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। एक्चुअली कुछ दिन से ना मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही है, तो मैं टाइमली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, बट मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी कि मैं टाइमली वीडियो अपलोड कर सकूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सकें और आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।